सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ ना मेरा फुल डे रूटीन या फिर एटलीस्ट मॉर्निंग रूटीन तो शेयर करने की कोशिश करूंगी ही आफ्टरनून तक के। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है एंड जस्ट नाउ मैंने अपना वो ड्राई फ्रूट का पाउडर खाया, जिसमें कि मैंने मखाना, डेट्स, किशमिश, काजू, अखरोट, पिस्ता, हाँ बस इतनी चीज़ों को हल्का सा बहुत ही कम घी में रोस्ट करके एंड देन ग्राइंड करके रख लिया। तो इससे क्या होता है, हर एक टाइप का जो ड्राई फ्रूट है वो आपकी बॉडी में चला जाता है खाने से। सो वो खाया है जस्ट मैंने, और एक बनाना खाया है। अब मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ रोस्टेड वर्मिसली। तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, टिमटिम की क्लास चल रही है, अभी दिखाती हूँ वो भी आपको। हस्बैंड का भी अब बस थोड़ी देर से काम स्टार्ट होगा, तो जल्दी से नाश्ता बना लेती हूँ। वर्मिसली की आई थिंक मैंने रेसिपी शेयर की थी, तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, बस उतना टाइम भी नहीं कि शूट करूँ। तो फटाफट ये बनाती हूँ एंड अभी तक के नहाया नहीं है मैंने, नहाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट के बाद में। और मॉर्निंग में मुझे एज सच में कुछ भी काम नहीं करना, फ्लाइट जा रही है ऊपर से इसलिए इतनी आवाज़ आ रही है, कुछ भी काम नहीं करना होता है। बस हैचेस के लिए पहले शेयर किया है, मशीन है तो वो बस मुझे बेड थोड़ा बहुत जमाना होता है एंड ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, तो वही कर रही हूँ मैं अभी। तो ये कर लेते फिर मिलते हैं। सो ब्रेकफास्ट एंड ऑल हो चुका है, अब मैं बैठी हूँ मेरा वीडियो एडिट करने के लिए। और ये पीछे ना यार एक्सक्यूज करना, ये टिमटिम मैडम अपनी डायरी हर जगह रखती है, उसको टाइम पास करने के लिए इसमें कुछ भी लिखती रहती है। देन बॉडी बटा वगैरह बहुत हैंडी रखने के लिए मैं हम लोगों के बेड के आसपास ही घूमता रहता है, तो इसलिए ये जगह पूरी मतलब यहाँ पीछे बहुत ही एसेंशियल चीज़ें जो होती है ना वो हमेशा, जैसे ये भी जो दिख रहा है ना वो भी एक बॉडी बटा ही है, क्योंकि आजकल स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। और अब मैं बैठी हूँ वीडियोस एडिट करने के लिए, लैपटॉप मेरा ऑन हो रहा है अभी। तो ये मेरा लैपटॉप ऑन हो गया है, अभी मेरे को करना है वीडियो, मुझे एक व्लॉग एडिट करना है, सो बस मैं वो एडिट करूँगी। एंड पता, मैंने अभी तक के सिर्फ एक ही मैटर्निटी शूट करा है। मैं आज सोच रही हूँ कि आज एक बार ही और, क्योंकि मुझे एक वीडियो के लिए रेडी होना ही है। सो सोच रही हूँ कि रेडी होंगी तो एक आध अच्छी ड्रेस, मेरे पास ड्रेसेस बहुत सारी है, मैं देखती हूँ। तो इसी वीडियो में मैं आपको, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे 3 गाउन्स हैं, वेडिंग गाउन्स टाइप, तो अच्छे गाउन्स हैं मेरे पास में पहन करके घर पर ही शूट करने के लिए। बट मैं इतनी आलसी हो गई हूँ ना, आफ्टरनून होते ही मुझे बहुत नींद आने लगती है और ये सब काम आफ्टरनून में ही अच्छे से हो पाते हैं। सो वो सब दिखाती हूँ। और मेरी स्किन बहुत ख़राब, कभी अच्छी लगती है कभी बुरी लगती है। मेन लाइट का सबसे बड़ा रोल होता है, आपकी स्किन कैसी दिख रही है उस पर, लाइट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो मैं ये निपटाती हूँ जल्दी से, फिर मुझे नहाना है और पूजा भी करनी है। अभी 10:30 हो गए हैं, सो ये करके फिर होगा। वैसे मैं नहा तो अभी भी सकती थी, बट अभी लाइट नहीं है तो मुझे ठंडे पानी से नहीं नहाना। वैसे गर्म थोड़ा सा मौसम है, बट स्टिल इतना गर्म नहीं है कि मैं ठंडे पानी से नहा लूँ। तो बस वेट कर रही हूँ लाइट आ जाए, फिर पानी गर्म करते हैं, फिर नहाते हैं। तो एक ब्लॉग फटाक से एडिट कर लेती हूँ, लाइव कर लेती हूँ, फिर आगे का काम निपटाते हैं। लंच वंच आज तो बहुत सारे काम। व्लॉग आप आगे एंजॉय कर लेना, लेकिन मैंने सोचा उसके पहले मैं आपको कुछ बहुत ही एसेंशियल चीज़ें दिखाऊं जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाई हैं। एंड कुछ स्किन केयर है, कुछ ऐसे बहुत एसेंशियल है। सो मैंने सोचा इस व्लॉग में बीच में थोड़ा सा ये वीडियो डाल देते हैं। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये माई हॉल स्टोर के थ्रू स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं। सो वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें क्विकली दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये जो हेयर बैंड मैंने लगाया, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मैंने बहुत सारे हेयर बैंड्स मंगवाए हैं। सो बेसिकली आई थिंक इसके 12 या 14 हेयर बैंड्स, ये वाले अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मैट फिनिश में 200 समथिंग के ये इतने सारे हेयर बैंड्स हैं। मैं यहाँ नीचे लिख दूंगी कि कितने हेयर बैंड, 299 के आई थिंक 14 हेयर बैंड्स हैं ये, मैंने काउंट किया था। बट अभी क्या इसमें कुछ नहीं है, एक मैंने लगा रखा है, एक दो अंदर रखे हुए हैं, तो इसलिए अभी काउंट करके नहीं बता पाऊंगी। सो अगर हम इन हेयर बैंड्स की क्वालिटी की बात करें तो बहुत अच्छे हैं, मुझे रिसीव हुए को आई थिंक 10 डेज से ज़्यादा हो गया एंड मैं रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ। इवन टिमटिम भी यूज़ करती है, एंड टिमटिम की एक खासियत है वो जब भी ऐसे हेयर बैंड्स यूज़ करती है तो बहुत जल्दी उनको तोड़ देती है वो, बट अभी तक हेयर बैंड एक भी नहीं टूटा है। और अगर आप क्लोजली देखेंगे तो बहुत अच्छी, बिल्कुल मैट फिनिश है और बहुत अच्छा दिखता है, चाहे कोई सा भी कलर ले लें वो अच्छा लगता है लगाने पर। सो ये इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मैट हेयर बैंड्स लिए हैं मैंने। फिर उसके बाद में मैं पहले मेरी चीज़ें दिखा देती हूँ आपको। मैंने लिया है ये ओले नाइट क्रीम, बिकॉज मुझे
नहीं पता क्यों ओले बहुत पसंद है, क्योंकि ओले के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मैंने देखे हैं, ओले के जो असर है लोगों पर मैंने होते हुए देखा है कि कितनी ख़राब ख़राब स्किन को भी पर्सनली मैंने मेरे बहुत क्लोज वंस को देखा है जिनकी स्किन एकदम पिगमेंटेशन से ब्लैक हो गई थी, उनकी भी स्किन को ठीक करने में ओले ने बहुत हेल्प किया है। तो ये बेसिकली मैंने नेचुरल 7-in-1 नाइट क्रीम ली है एंड एंटी एजिंग ले रही हूँ मैं, बिकॉज मेरी एज 30+ है, 31 ईयर्स की हूँ मैं, सो मुझे एंटी एजिंग की ज़रूरत थी। तो 7-in-1 ये ओले की नाइट क्रीम ली है मैंने, ये है 399 रुपीज़ की है ये नाइट क्रीम। देन मैंने डे क्रीम भी ओले की ही मैं यूज़ करती हूँ और ये 15 SPF है, तो घर में रहने वाले लोगों के लिए 15 SPF इज़ फेयर इनफ। अगर आप डायरेक्ट धूप में जा रहे हो तो आपको 30+ SPF लेना चाहिए। और ये भी 7-in-1 है, एंटी एजिंग है एंड मुझे पर्सनली ओले क्रीम पसंद है और हर वेदर के लिए अच्छी है। विंटर्स में जिसकी स्किन बहुत ड्राई है उनको थोड़ा सीरम वगैरह लगाना पड़ता है, बट समर्स के लिए ये क्रीम बहुत अच्छी है क्योंकि बिल्कुल भी ऑयली एंड स्टिकी नहीं है। डे क्रीम हल्की सी एक्सपेंसिव है, ये है 899 रुपीज़ की क्रीम, बट आफ्टर डिस्काउंट अमेजोन से आई थिंक मुझे 600 समथिंग की ये डे क्रीम पड़ी है। देन इसके बाद में मैंने लिया है अपने लिए ये लिप एंड चिक टिंट जो कि जस्ट हर्ब्स का है, अगर आप देखेंगे तो जस्ट हर्ब्स का लिप एंड चीक टिंट है। मेरे पास में इसके पहले भी एक लिप एंड चीक टिंट था, सो मैं पर्सनली फ़ैन हूँ लिप एंड चीक टिंट की, बिकॉज रोज़ मुझे मेकअप लगाना पसंद नहीं है। और लिप एंड चीक टिंट का फ़ायदा ये होता है कि आप नीचे बस वॉक करने भी जा रहे हैं और आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना है, तो आपने लिप्स पर इसको लगा लिया, हल्का हल्का चीक्स पर लगा लिया, वो एक ग्लो आ जाता है, बहुत ही प्यारा सा ब्लशी चीक्स लगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है फेस। तो इसलिए मुझे, मैं पर्सनली पसंद करती हूँ ये जो लिप एंड चीक टिंट्स अभी मार्केट में आए हैं। तो एक मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ और वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, सो मैंने ये ले लिया है एंड जस्ट हर्ब्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, सो ये मैंने अपने लिए लिया। देन मैंने टिमटिम के लिए दो चीज़ें ली हैं, सबसे पहली बहुत इंपॉर्टेंट ये है मामा अर्थ का स्प्रे जो कि मॉस्किटो रिपेलेंट है, वो डेली खेलने जाती है तो वो स्प्रे लगा करके जाती है बिकॉज अच्छा है, और मामा अर्थ नहीं आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट। एंड इसके बाद में ये मुझे बहुत ज़रूरी लगा जो कि है आफ्टर बाइट रोल ऑन, मच्छर काट जाता है, सिर्फ टिमटिम के लिए नहीं हम लोगों के लिए भी है, कई बार घर में मच्छर घुस गए एक आध और वो काट देते फिर हम बार बार ध्यान उसी पे जाता है, तो ये मैं अपने बेड के पास में रखना पसंद करती हूँ कि कभी रात में अगर काट दिया तो रोल कर लिया और वो बार बार खुजली नहीं होगी और नींद एकदम डिस्टर्ब नहीं होगी, तो इसलिए मैंने ये रोल ऑन भी ले लिया है आफ्टर बाइट रोल ऑन, मतलब जिससे कि मच्छर काट के चला गया है तो आप ये लगा लेंगे तो पहली चीज़ किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा उस मच्छर के काटने से, सेकंड थिंग आपको वो बहुत ज़्यादा एचिंग नहीं होगी। देन मैंने ये ऑयल मंगवाया है, सबसे पहला है ये मैक्स केयर का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की अभी आने वाले टाइम पर मुझे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है एंड अभी हाल फिलहाल भी टिमटिम के हेयर केयर के लिए मुझे ये दो ऑयल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सो ये मैंने नेचर लैंड ऑर्गेनिक से मस्टर्ड ऑयल प्योर कच्ची घानी ऑयल मंगवाया है। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल प्योर है, कोल्ड प्रेस्ड है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, तो बेसिकली टिमटिम के हेयर में इन दोनों को मिक्स करके लगाने के लिए मंगवाया है। मैं आजकल टिमटिम के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी और अभी आगे भी कुछ टाइम के लिए शायद ऐसा हो और उसके बालों के साथ में मुझे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल नेचुरल ऑयल्स मंगवाए हैं एक्स्ट्रा वर्जिन, इवन इनको कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो है ये है कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल मुझे बहुत पसंद है तो दो बॉटल मंगवाई है, मैं भी लगाऊंगी एंड अभी आगे भी मुझे बहुत यूज़ आएगा ये, तो इसके लिए मैंने ये दो बॉटल्स मंगवा ली है 1-1 लीटर की, तो ओवरऑल ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इतनी चीज़ें थी जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, सारे प्रोडक्ट्स की जो बाइंग लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेक कर लेना और आगे आप ब्लॉग एंजॉय कर सकते हैं। मैंने किचन में मैंने लंच बना लिया और अब मैं लंच करने वाली हूँ, वीडियो एडिट करने के बाद में मैंने फट से नहाया, पूजा वगैरह की एंड खाना बनाया और अब मैं खाना खाऊंगी, बहुत भूख लगी है। ये है मेरी थाली, क्लोजली दिखाती हूँ, मैंने मेरी फेवरेट सब्जी बनाई, बहुत मन कर रहा था मुझे ये सब्जी खाने का, दिखाती हूँ आपको। मैंने लंच में बनाया राइस, दाल, सैलड
और ये है जो छोटे वाले बैंगन आते हैं ना, उनका स्टफ्ड बैंगन बहुत टेस्टी लगता है। मेरी मम्मी जैसा बनाती है ना, बिल्कुल वैसा बनाया है। मतलब ये जो मसाला है इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना होता है, जब तक ये थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाता है ना तब तक का, बहुत मस्त लगता है। सो ये मैं अभी खाने वाली हूँ, बहुत ही खतरनाक वाली भूख लगी है, टिमटिम खा रही है पीछे बैठ के। मैं भी जाती हूँ उसको ज्वाइन करती हूँ, खा के फिर मिलते हैं। सो खाना खा लिया मैंने, और मैंने आज ओवर ईटिंग किया लिटरली। जितना राइस आपको दिखाया था ना, उसका मैंने थोड़ा और राइस लिया, और बहुत अच्छा लगा एक्चुअली आज का खाना, मज़ा आ गया। मतलब मैंने ये जो बैंगन है ना, ये मैंने आई थिंक 4 डेज हो गए लेकर के आके रखा हुआ था, बट मैं बना नहीं रही थी, मुझे याद नहीं था, कल रात में याद आया था। मैंने सोचा अब आज तो आफ्टरनून में इसको बना लूँगी। मैंने इतना खा लिया ना कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा है, मैं अब थोड़ी देर आराम करूँगी। वैसे मैं डेली भी आफ्टरनून में आराम करती ही हूँ, और झपकी लगी जाती है मुझे, और 1 घंटे की आधे घंटे की भी झपकी लग जाती है मुझे, और फिर मैं रात भर जगती हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती। बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया मुझे बहुत पेन होता है करवट वगैरह लेने में, मतलब बहुत बहुत पेन होता है, बड़ी मुश्किल से बेड पकड़ के करवट लेती हूँ मैं। और डे टाइम पर ऐसा मुझे दर्द का उतना पता नहीं चलता, नहीं पता रात को क्यों, या तो शायद मैं इवनिंग में वॉक करती हूँ फिर उसकी वजह से होता है, नहीं मालूम मुझे। सो आफ्टरनून में तो मैं डेली सोती हूँ, तो अभी भी मैं सोऊंगी थोड़ी देर। अभी बज रहे हैं अराउंड 2:30, तो 4 बजे के आसपास, 4, 4:30, 5 तक मैं बेड पर ही रहती हूँ, जब तक मौसम थोड़ा सा ठंडा नहीं होता। अभी भी बहुत कड़क वाली धूप निकल रही है, देखिए मुझे यहाँ दूसरा चेंज करना है, पूरा ब्लैकआउट कर्टन लगाना है, क्योंकि मेरा घर ना ईस्ट फेसिंग है, तो जब सूर्य अस्त होता है तो पूरा जो धूप है ना वो मेरे बालकनी के साइड से और विंडो से, मतलब आप समझ लो 1:30-2 बजे से कंटिन्यू कड़क धूप रहती है, फुल समर्स, जब तक के सूर्य अस्त नहीं हो रहे हैं तब तक के, तो मतलब बिल्कुल मेरा घर समर्स में ओवन बन जाता है। और विंटर्स में धूप आती है 3:30-4 बजे, जिसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि 5 बजे तक तो धूप चली ही जाती है, तो ऐसा है। तो अभी मेरा घर बहुत गर्म होना शुरू हो चुका है, आगे समर्स में तो और गर्म होगा, तो मुझे कर्टन्स वगैरह प्रॉपर थोड़े ब्लैकआउट लगाने हैं यहाँ पे, ये सब करूँगी मैं। अभी वीकली मैंने सारे काम डिवाइड करके रखे हैं कि डिलीवरी के पहले जितने भी वीक्स हैं उनमें मुझे क्या क्या काम निपटा लेना, तो उसमें ये भी है एक। तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर हम शाम को चाय पे मिलते हैं, ठीक है, चाय पे चर्चा करते हैं। सुबह से मैंने अभी तक एक भी चाय नहीं पी है, पीऊँगी, इवन मैंने आज दूध भी नहीं पिया है, दूध भी पीऊँगी, क्योंकि आज सुबह से मैं थोड़ा सा यही वीडियो एडिटिंग और इन सब में लग गई थी, एंड फिर एक आध शार्क टैंक के वीडियोस देखे, तो वो शार्क टैंक एक देखो तो फिर वो कंटिन्यू देखते ही जाते, तो मेरे 1 आध घंटे तो उसमें वेस्ट हो गए। चला मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर बात करती हूँ, तो बातें करती रहूँगी मैं। सो चैन से सो भी नहीं पाई मैं, नींद लगने वाली थी, अब तक के 1-2 पार्सल वाले आ गए, सो उठना पड़ गया। और अभी टिमटिम के नीचे जाने का टाइम हो गया, वो शाम को खेलने जाती है नीचे, अभी हमारा चाय वाला टाइम नहीं हुआ बिकॉज हस्बैंड अभी तक फ्री नहीं हुए, तो टिमटिम बस ड्रेसअप हो रही है, फिर उसकी चोटी वोटी करके फिर उसको नीचे भेजूंगी, फिर बनाऊंगी चाय हम दोनों के लिए। सो बस टिमटिम आए, फिर उसकी चोटी करूँ। आजकल उसको मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट बना रही हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट बना रही हूँ। सो टिमटिम मैडम आ गई हैं चेंज करके, अब बस मैं इसकी चोटी करूँगी। दो चोटी करूँ कि एक करूँ? दो। और मैं आपको दिखा सकती हूँ, मैंने बता सकती हूँ मैंने कौन सी ड्रेस पहनी है? हाँ बताओ। ब्लैक ऐसा टी शर्ट और पैंट का मिक्स होता है, वो वाली पैंट, डंगरी बोलते हैं डंगरी। और इंग्लिश में? इंग्लिश में, हिंदी में सब में डंगरी ही बोलते हैं। ओके हो गई है रेडी, वॉच पहन लिया है, आपको 7:15 आ जाना है। ओके और मॉस्किटो रिपेलेंट लगाओ। मैं लगा चुकी हूँ। लगा चुकी हूँ, स्प्रे कर लिया।
जाओ बाय। सो यहाँ पर मेरी चाय बन रही है शाम की और यहीं पर मैं ये जो वीडियो है इसको एंड कर रही हूँ। तो ये था बेसिकली मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे एंड वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और बहुत सी चीज़ें नहीं शेयर कर पाई हूँ तो नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में वो भी शेयर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।